अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट वाली कलर सेवियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और आप इसको दावतों में भी बनाकर एज अ डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी के। घी को गर्म होने देंगे, जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदर इलायची। इलायची का आपने मुंह खोल के इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। कलर्ड सेवियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 लीटर दूध से भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसको अब हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि इलायची का फ्लेवर भी हमारे दूध के साथ अच्छे से ऐड हो जाए। जैसे दूध हमारा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। 2 लीटर दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 कप भर के चीनी के यूज़ किए हैं। यह परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें, इसके अंदर बॉयल आ गया है और चीनी हमारी अच्छे से इसमें दूध में डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी कलर्ड सेवियाँ। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट कलर्ड सेवियों का इसके अंदर ऐड किया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाले हर नोटिफिकेशन का आइकन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बस ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा बॉयल आ गया है दूध में। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे ताकि हमारी सेवियाँ भी अच्छे से गल जाएँ और दूध में अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो बस यहाँ पे 50% तक हमारी सेवियाँ यहाँ पे कुक्ड हो गई हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए और पका लेंगे ताकि ये फुली डन हो जाएं। अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप इसको फटाफट झटपट बनाकर उनके आगे सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही झटपट और मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है डिज़र्ट। तो बस ये देखिए, 5 मिनट्स और लगे हैं, तकरीबन 20 मिनट्स में हमारी सेवियाँ यहाँ पर बनकर फुली कुक्ड हो गई हैं। बहुत ज़बरदस्त सी सेवियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ऊपर से इसको बादाम क्रश करके उसके साथ गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की भी डेकोरेशन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बादामों को क्रश करके इसके ऊपर ऐड कर दिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए रखें मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।